मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। बर्फीली उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस मौके जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा, दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया, जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें, जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। सूरज की तरह ताबिंदा है तू, मर के भी तो सकता है, मेरे खेतों में खलिहानों में तू लहराए मेरी फसलों में, तेरी ही झलक दिखे मुझको मेरी आने वाली नस्लों में। उसका पूरा हक अदा किया, कुर्बानी किसको कहते हैं सारी दुनिया को बता दिया, हर हिंदुस्तानी कहता है तू उसके लहू में बहता है, तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में, कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा, रखूंगा उन्हें निगाहों में, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, 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 तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। कारगिल विजय दिवस सभी को बधाई। 26 जुलाई 1999 दौरान कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और विजय प्राप्त करी थी उस दिन
हिंदुस्तान ने कारगिल पर जहां पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, जहां पर कब्जे की राह पर चल रहा था पाकिस्तान, पर उसे नाकाम साबित किया था इंडियन आर्मी ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज 2023 26 जुलाई में जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाई जा रही है, और इसी के अवसर पर जो हमारे जवान थे उस समय शहीद हुए, उन शहीदों को भी आज के दिन इंडियन आर्मी और सभी हिंदुस्तान के लोग याद कर रहे हैं। आज सुबह के समय हमने देखा किस तरह से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी कारगिल में जाके वहां पर सलामी दी, और वहां पर आपने देखा किस तरह से आज कारगिल दिवस जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज डोडा के अंदर भी कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इस समय पुलिस लाइन यानी कि 10R इंडियन आर्मी के द्वारा भी यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे बैनर भी देख सकते हैं, और काफ़ी खुशी होती है जब हम ये पढ़ते हैं, सल्यूट टू ऑल ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स हु लेड डाउन देयर लीव्स फाइटिंग फॉर आवर नेशन। तो खुशी होती है जब हम अपने देश के लिए काम करते हैं, जब हम अपने देश के लिए झुकते हैं और मर मिटते हैं, यानी कि जब हम देश सेवा करते हैं, तो एक अलग जुनून, एक अलग जज्बा जो है वो हमें मिलता है, और एक खुशी जो है वो होती है। आज उसी तरह से हम देख रहे थे कि डोडा के अंदर भी जो है वो विजय दिवस मनाई गई, जिसमें 10R इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन और साथ में डिबेट कंपटीशन करवाया गया, जिसमें उन्होंने उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज से नवाजा, और उसके साथ बाकी कंसोलेशन प्राइजेस भी जो हैं वो दिए। इस मौके पर यहाँ पर आज के दिन जिस तरह से हमारे गेस्ट विंग कमांडर तीर्थ सिंह रहे, और उसी के साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार जी, और साथ साथ में तीन मदरसों के बच्चे यहाँ पर आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ में तीन अदर स्कूल्स के बच्चों ने जो है वो यहाँ इस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने ड्राइंग में इंडियन आर्मी को दर्शाया, कहीं ना कहीं कारगिल वॉर को दर्शाया, और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान को दर्शाया कि किस तरह से जो है वो 26 जुलाई के दिन उन्होंने विजय जो है वो पाई थी कारगिल वॉर पर। और आज हम देख रहे थे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे अभी भी कुछ हमारे मीडियाकर्मी यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, इंटरव्यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, बाइट्स यहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें किस तरह से जो है हथियार जो है वो रखे गए, यहाँ पर किस तरह से जो हमें दर्शाया गया, बच्चों को दिखाया गया कि आखिरकार कौन कौन से इंडियन आर्मी के पास जो है वो हथियार हैं, और कौन कौन से वो यूज़ करता है, और पूरा यहाँ पर हमें वो चीज़ें में देखने को मिलती है। और खास करके आप देखेंगे पीछे भी हमारे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ जो है वो बातचीत यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार जी जो है वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इस समय। और बाकी भी पूरे इंतज़ाम इंडियन आर्मी के द्वारा जो है बच्चों के लिए किए गए, आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की पूरा यहाँ पर किया गया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कारगिल वॉर जब हुई थी उसे दर्शाया गया, आज एक छोटे पर्दे पर जो है वो बच्चों को दिखाया गया कि आखिरकार किस तरह से वो जो है वो वॉर उस समय लड़ी गई थी। बाकी आप पीछे भी देख सकते हैं बच्चों के लिए पूरी अरेंजमेंट का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, और यही इंडियन आर्मी है जिसने उस समय हमारी अगर रक्षा नहीं की होती तो आज आप देखिए, अगर कारगिल की लड़ाई अगर हम जीत पाए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कितनी शांति जो है वो हमें देखने को मिलती है। उस समय से अगर आप आज देखेंगे तो कितने इंडियन आर्मी हमेशा 24/7 जो है वो सर्विस करती है, जॉब करती है, उसके बाद जो है वो हम लोग सेफ हो पाते हैं। तो ये आप खुद देखेंगे कि इंडियन आर्मी इन सब के अलावा बाकियों को भी ये दर्शाती है कि आप अपने देश के साथ प्रेम करें, अपने देश के जो है वो काम आए। देखते रहें रिपोर्ट, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।